अजून तरी मी काँग्रेसमध्येच असल्याचं झिशान सिद्दीकींनी स्पष्ट केलंय पण पुढचं माहीत नाही असं सूचक विधानही त्यांनी केलं तर महाविकास आघाडीमध्ये माझ्यावर बराच अन्याय झाल्याची नाराजी त्यांनी बोलून दाखवली कामासाठी फोन केला तरी आदित्य ठाकरे फोन उचलत नव्हते अशी खतखदही त्यांनी बोलून दाखवली ऐसे, ऐसे कहा जाता है की बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलता है तो क्या बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलेगा देखिये आप किस नक्शे कदम की बात कर रहे हैं अगर वो थोड़ा बाबा सिद्धिकी जी ने पक्ष प्रवेश किया है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट में तो आपका राजकीय करियर किस तरीके से अभी आगे चलेगा जैसे मैंने कहा कि फिलहाल मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ आगे का आगे का अभी तक कुछ वो नहीं मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ मैं तो अपने टॉप लीडरशिप के पास हमेशा गया हूँ कि शिवसेना मैंने पहले भी मीडिया में कहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है पहले फंड्स को लेके प्रोग्राम्स को लेके जो जो इनिशिएटिव्स हम ले रहे थे हर चीज शिवसेना क्रेडिट लेने की कोशिश करती थी और जब भी मैं अपनी आवाज उठाता था तो टॉप लीडर्स जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनके पास जाता था उनको पता है कि मेरे पास अन्याय हो रहा है मगर मेरे लिए किसी ने साथ नहीं दिया और तभी भी जब मुझे फंड का मामला था हर एक आ, महाविकास आघाड़ी को एमएलए को अ, अनेक अनेक टाइटल्स से फंड मिलता था तभी मेरा फंड किसी और को मिल जाता था शिवसेना के एमएलसी को मिल जाता था तब भी अजित दादा फाइनेंस मिनिस्टर थे तो तब भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी आदित्य से तो दोस्ती थी मगर क्या है कि मैं भी अचंबे में था कि पहले कई सा, पहले साल तो आदित्य ने आ, आ, काफी मतलब प्रोएक्टिव भी था दोस्ती में मगर सिर्फ दोस्त कहलाना कभी कभी जब मैं एमसी के पास जाता था या अलग अलग लोगों के पास जाता था तो वो कहते थे कि नहीं आपके अपने दोस्त को बोल दो ना तो मैं एक ऐसे पोजिशन में आ गया था कि मैं तो उसको अभी भी मतलब अपना दोस्त मानता हूं पहले भी दोस्त मानता था उसके बाद मगर वो मेरा गार्डियन मिनिस्टर था वो गार्डियन मिनिस्टर होने के बावजूद मेरा या किसी का भी फोन उठाया नहीं जाता था मतलब मुझे लगता है पचास एक कॉल कर लिए होंगे मैंने उसके मेरा कभी फोन ही नहीं उठाया तो मैं उसको जब कार्यक्रम में मिलता था मैं बोलता था आदित्य यार मेरा फोन तो उठा मेरे को अपने काम के लिए फोन कर रहा हूं तो ठीक है शायद से वो बहुत बिजी आदमी है एबीपी मासा उगड़ा डोले बगा नीट